प्यारे देशवासियों, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये नया वर्ष आपके जीवन को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से आनंदित करें। नववर्ष नवीन उल्लास और नई उमंग का प्रतीक है, साथ ही ये नई आशाओं और नए संकल्पों का अवसर है। ये दिन प्रेरणा देता है कि हम स्वयं को देश की उन्नति तथा देशवासियों के कल्याण के लिए नई ऊर्जा के साथ समर्पित करें। हमारी चेतना और हमारा विवेक में भारत के नवनिर्माण का लक्ष्य हो। हमारा प्रत्येक कर्म समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान करें। साथियों, आज हमारा देश नवनिर्माण के दौर से गुजर रहा है। सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करते हुए हम आज बहुत तेजी से सफलता के नए शिखर की ओर अग्रसर हैं। ये देश के 130 करोड़ लोगों के सामूहिक प्रयासों का सुफल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले 25 वर्षों में भारत विश्व का अग्रिम देश हो। राष्ट्र को इस लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी भी भागीदारी हो। हम अपने अधिकारों के साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए भी सजग बने। साथियों, नए वर्ष के अंदर कोरोना का नया वेरिएंट भी आया है। हमें इस नए वेरिएंट से सजगता सतर्कता बरतनी है। हमें पैनिक नहीं होना, लेकिन सतर्कता बरतते हुए इस वेरिएंट को रोकने के लिए भी सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है नव वर्ष के समय आप कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने सामाजिक और सभी दायित्वों को निभाएंगे। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।